कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यहां जंतर मंतर पर कहा कि देश के गरीबों, दलितों, किसानों और मजदूरों का आक्रोश एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से बेदखल कर देगा। ये भी कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की अध्यक्षता में आयोजित हल्ला बोल आंदोलन को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। कायरों से लड़ने से न डरे, याद रखे कि भारतीय किसी ताकत से नहीं डरते। उन्होंने वहां मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं से संघ परिवार और मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया। देश भर में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार और विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकारों से बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान पर हमलों का जवाब देने के लिए कहना राउत की पहल पर आज नई दिल्ली में हल्ला बोल आंदोलन का आयोजन किया गया। पूरे देश से कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के वेणुगोपाल, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, के एच मुनियप्पा, सुष्मिता देव, अनिल चौधरी और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन्हें सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा। साथियों, आप सब जो देश के कोने कोने से यहाँ आए, सबको मेरा जय भीम। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी यहाँ पर केवल आपसे मिलने के लिए आए हैं। जब भी हमारा बाका वक्त आता है, हम पे कोई अन्याय होता है या अत्याचार होता है, एक ही वह व्यक्ति इस देश के अंदर जो है, जो हमारे साथ खड़ा होता है, उसका नाम है श्री राहुल गांधी। दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता। और जब भी दलितों को कुचला जाता है, दलितों पे अन्याय किया जाता है, दलितों पे अत्याचार किया जाता है, तो साथ खड़ी होती है राहुल गांधी जी और उनकी ताकत और कांग्रेस पार्टी। मैं आपको बता दूं, कल रात भी इस मयूर विहार में एक नन्ही सी बच्ची, 6 साल के उम्र की बच्ची पर बलात्कार हुआ। रात को 1 बज गया था, मुझे फोन आया, मैं और अनिल कुमार जी सारे लोग वहां पहुंचे और पुलिसों के सामने हमने उनको न्याय देने की गुहार लगाई। वेणुगोपाल जी, चिदम्बरम जी, के एच मुनियप्पा जी, नितिन राउत जी, सुष्मिता देव जी, अनिल चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देश की हालत आप सब जानते हो। इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे दलित भाई बहन थे, उनको ये देश अंधेरे में रखता था, अंधेरे से बाहर नहीं निकलने देता था, और जो उनके हक थे उनको नहीं देता था। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।